सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम सदर ने समस्याएं सुनी। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सिविल नेचर की समस्याओं में जांच के आदेश दिए गए। सबसे ज्यादा समस्याएं अवैध कब्जे को लेकर आई थी। जन समस्याओं और राजस्व संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए बिना चक्कर काटे निस्तारण हो सके, इस उद्देश्य के साथ संपूर्ण समाधान की शुरुआत की गई थी। समय समय पर कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी हुआ। निजी भूमि पर कब्जे के मामले में कानूनी रूप से प्रशासन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, आज संपूर्ण समाधान दिवस में हमारे यहाँ जो शिकायतें आ रही है, सभी प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। जैसा आपने कहा, कुछ शिकायतें ज़मीन पर कब्जे से संबंधित भी हैं। तो जहाँ तक विषय है सरकारी संपत्ति का, उसमें हमने अपने तहसीलदार, नायब तहसीलदार को यही मौके पर आदेशित करते हुए, यदि धारा 67 का कोई वाद लंबित है तो उसका निस्तारण करें अतिशीघ्र, और उस सरकारी संपत्ति को अपने कब्जे में वापस लें जो सरकारी संपत्ति है। संपूर्ण समाधान दिवस उन समस्याओं का निस्तारण करने में प्रशासन को भारी परेशानी होती है, जिनका कानूनी रूप से अदालत के आदेश से ही समस्या का निस्तारण हो सकता है। इसके बाद भी पीड़ित को राहत देने के लिए अधिकारी जांच करवाकर समस्या का निस्तारण का प्रयास करते हैं। सी न्यूज़ के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट।